हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल। आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। आप इसको प्राग का टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हो, बिकॉज प्राग जो है वो चेक रिपब्लिक की एक बहुत ही फेमस सिटी है। इट्स ऑल्सो फेमस अराउंड द ग्लोब फॉर टूरिज्म। आप इसको बजट में घूम सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बताता हूँ। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको आने वाली जो आगे मेरी वीडियोस हैं टूरिस्ट कंट्रीज के बारे में, उनके बारे में भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए प्राग का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए? एक आपको जब ये वीज़ा इशू होगा वो शंगन वीज़ा है। उसके लिए कुछ एक जो चेकलिस्ट रहती है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस आप अगर है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एलिजिबल हो, आपको वीज़ा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वो आपको पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। देन ऑल्सो यू नीड अ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट करके हम एम्बेसी में सबमिट करनी होती हैं। तो वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे भी बता सकता हूँ आपको कि आपका 80% जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ्स में। तो वो डायमेंशन आप देख सकते हो, इंटरनेट से भी आप देख सकते हो, और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के बता दूंगा। देन उसके बाद चाहिए आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन के आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हो, इस डेट को आपकी रिटर्न है, तो इसके हिसाब से आपको वो अपनी सारी जो फ्लाइट रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप डाल सकते हो कि मैंने रिजर्व करवा के रखी है। जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आप उसको दोबारा से जो है वो अप्रूव करवा सकते हो एयरलाइन को कॉल करके। देन उसके बाद चाहिए आपको होटल रिजर्वेशन जो कि कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रूफ देना है कि आप किधर रुकोगे चेक रिपब्लिक में आके। अगर आपको वीज़ा अप्रूव होता है तो होटल का एड्रेस, सारा डिटेल्स जो होटल की, आप कब होटल में चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, वो सारी डिटेल जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी एज अ प्रूफ ऑफ योर अकोमोडेशन। देन यू नीड अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या डालना पड़ेगा आपको? कवरिंग लेटर में आपको डालना पड़ेगा कि आप अपनी स्टे के दौरान किस होटल में रुकोगे, किस जगह पे जाओगे, और आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो क्या है। बिकॉज यू नीड टू मैंशन योर पर्पस ऑफ ट्रैवल टू द एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक, बिकॉज दे विल नीड टू नो वाई यू आर विजिटिंग देयर कंट्री। सो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि शंगन एरिया में आपको कंपलसरी है। किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो, आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यूरोप में स्पेशली, क्योंकि यूरोप में जो है वो एम्बेसी हर एक कंट्री की चेक करते हैं कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है आपके पास या नहीं है। वो कि 30,000 यूरो तक वो कवर करता होना चाहिए आपके मेडिकल को। तो इसी वजह से आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी इन एडवांस। आपको एम्बेसी में प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी, हमने अपने ट्रैवल इंश्योरेंस है जो वो करवा ली है। उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। सो अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है तो हाउ यू विल सर्वाइव। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इंडियन 1 लाख से लेके 3-4 लाख तक जितने भी हो जाए, वो तो चलो प्लस ही है, मतलब मिनिमम 1 लाख तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। दैट्स द मिनिमम अमाउंट यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट, एंड इट शुड बी साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक ऑफिशियल्स। अगर आपके पास जो लेटर होगा तो वो भी आपको बैंक के ऑफिशियल्स द्वारा, मैनेजर्स होते हैं, तो उधर से साइन एंड स्टैम्प करवाना पड़ेगा। सो आपको ये भी आपका जो है प्रूफ है फंड का, आप एम्बेसी में लगा सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, प्रोसेसिंग टाइम इसका कुछ ज़्यादा नहीं रहता, दो वीक से लेके 3 वीक तक रहता है। तो आप बोल सकते हो 15-20 डेज के बीच में आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। वीज़ा फ़ी कितनी रहती है? आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो उसकी फ़ीस रहती है 4,900 इंडियन रुपीज़ जो कि फिक्स है। उसके बाद उनके चार्जेस होते हैं, फिक्स है तो रेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि करेंसी एक्सचेंज का रेट होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि ये फिक्स ही है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अराउंड 7,000 इंक्लूडिंग VFS से चार्जेस आप बोल सकते हो, 5,000 से लेके 7,000 के बीच इंडियन रुपीज़ में रहेगा ये आपका वीज़ा फ़ी, एम्बेसी फीस बोल सकते हो इसको। होटल और फ्लाइट की बात करें, फ्लाइट आपको अंडर 40,000 इंडियन रुपीज़ में मिल जाती है न्यू दिल्ली से अगर आप ट्रैवल करते हो, तो 35,000-38,000 लाइक दैट। सो 35,000-40,000 में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है। और उसके बाद होटल की बात करें, होटल आपको इधर ठीक मिल जाता है, 15,000-18,000 से 3 स्टार्स होटल है
वो आप बुक कर सकते हो। अच्छा होटल होता है, ऐसा नहीं है कुछ चीप है, तो आपको अब सेपरेट रूम मिलता है, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ होता है उसमें, तो आपको वो शेयरिंग में नहीं मिलता, अपना प्राइवेट मिल जाता है। सो 20,000-18,000 में आपको अच्छा होटल चेक रिपब्लिक में मिल जाता है। प्राग एक बहुत अच्छी कंट्री है दोस्तों घूमने के लिए, बजट में ही है आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा इसका एक्सपेंस नहीं रहता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। चेक रिपब्लिक के वीज़ा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट फॉर दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने वीडियो लाइक की तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टूरिस्ट टर्मिनल। आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। आप इसको प्राग का टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हो, बिकॉज प्राग जो है वो चेक रिपब्लिक की एक बहुत ही फेमस सिटी है। इट्स ऑल्सो फेमस अराउंड द ग्लोब फॉर टूरिज्म। आप इसको बजट में घूम सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बताता हूँ। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि आपको आने वाली जो आगे मेरी वीडियोज़ हैं टूरिस्ट कंट्रीज़ के बारे में, उनके बारे में भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए प्राग का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए? एक आपको जब ये वीज़ा इशू होगा वो शंगन वीज़ा है, उसके लिए कुछ एक जो चेकलिस्ट रहती है डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस आप अगर है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एलिजिबल हो, आपको वीज़ा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो आपको पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। देन ऑल्सो यू नीड अ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट करके एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। तो वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे भी बता सकता हूँ आपको कि आपका 80% जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ्स में, तो वो डायमेंशंस आप देख सकते हो, इंटरनेट से भी आप देख सकते हो, और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के बता दूंगा। देन उसके बाद चाहिए आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन कि आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हो, इस डेट को आपकी रिटर्न है, तो इसके हिसाब से आपको वो अपनी सारी जो फ्लाइट रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप डाल सकते हो कि मैंने रिजर्व करवा के रखी है। जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आप उसको दोबारा से जो है वो अप्रूव करवा सकते हो एयरलाइन को कॉल करके। देन उसके बाद चाहिए आपको होटल रिजर्वेशन जो कि कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रूफ देना है कि आप किधर रुकोगे चेक रिपब्लिक में आके। अगर आपको वीज़ा अप्रूव होता है तो होटल का एड्रेस, सारा डिटेल्स जो होटल की, आप कब होटल में चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, वो सारी डिटेल जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी एज अ प्रूफ ऑफ योर अकोमोडेशन। देन यू नीड अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या डालना पड़ेगा आपको? कवरिंग लेटर में आपको डालना पड़ेगा कि आप अपनी स्टे के दौरान किस होटल में रुकोगे, किस जगह पे जाओगे, और आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो क्या है। बिकॉज यू नीड टू मैंशन योर पर्पस ऑफ ट्रैवल टू द एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक, बिकॉज दे विल नीड टू नो वाई यू आर विजिटिंग देयर कंट्री। सो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो कि शंगन एरिया में आपको कंपलसरी है। किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यूरोप में स्पेशली, क्योंकि यूरोप में जो है वो एम्बेसी हर एक कंट्री की चेक करते हैं कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है आपके पास या नहीं है, वो कि 30,000 यूरो तक वो कवर करता होना चाहिए आपके मेडिकल को। तो इसी वजह से आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी इन एडवांस। आपको एम्बेसी में प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी हमने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस है जो वो करवा ली है। उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे बिकॉज आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। सो अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है तो हाउ यू विल सर्वाइव। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इंडियन 1 लाख से लेके 3-4 लाख तक जितने भी हो जाए, वो तो चलो प्लस ही है, मतलब मिनिमम 1 लाख तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। दैट्स द मिनिमम अमाउंट यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट, एंड इट शुड बी साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक ऑफिशियल्स। अगर आपके पास जो लेटर होगा तो वो भी आपको बैंक के ऑफिशियल्स और मैनेजर्स होते हैं तो उधर से साइन एंड स्टैम्प करवाना पड़ेगा। तो आपको ये भी आपका जो है प्रूफ है फंड का, आप एम्बेसी में लगा सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, प्रोसेसिंग टाइम इसका कुछ ज़्यादा नहीं रहता, 2 वीक से लेके 3 वीक तक रहता है। तो आप बोल सकते हो 15-20 डेज के बीच में आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। वीज़ा फ़ी कितनी रहती है? आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, तो उसकी फ़ीस रहती है 4,900 इंडियन रुपीज़,
जो कि फिक्स है, उसके बाद उनके चार्जेस होते हैं। फिक्स है तो रेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि जो करेंसी एक्सचेंज का रेट होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि ये फिक्स ही है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अराउंड 7,000 इंक्लूडिंग VFS से चार्जेस आप बोल सकते हो, 5,000 से लेके 7,000 के बीच इंडियन रुपीज में रहेगा ये आपका वीजा फी, एम्बेसी फीस बोल सकते हैं इसको। होटल्स और फ्लाइट की बात करें, फ्लाइट आपको अंडर 40,000 इंडियन रुपीज में मिल जाती है न्यू दिल्ली से अगर आप ट्रैवल करते हो तो, 35, 37, 38,000 लाइक दैट। सो 35 से 40,000 में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है। और उसके बाद होटल की बात करें, होटल आपको इधर ठीक मिल जाता है, 15 to 18,000 से 3 स्टार्स होटल है वो आप बुक कर सकते हो। अच्छा होटल होता है, ऐसा नहीं है कुछ चीप है, तो आपको सेपरेट रूम मिलता है, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ होता है उसमें, तो आपको वो शेयरिंग में नहीं मिलता, अपना प्राइवेट मिल जाता है। सो 20,000 to 18,000 में आपको अच्छा होटल चेक रिपब्लिक में मिल जाता है। प्राग एक बहुत अच्छी कंट्री है दोस्तों घूमने के लिए, बजट में ही है आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा इसका एक्सपेंस नहीं रहता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। चेक रिपब्लिक के वीज़ा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट फॉर दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने वीडियो लाइक की तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।